तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो पोवा 4 प्रो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डिवाइस में पबजी BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों, हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। उसी के साथ दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ हमें इस डिवाइस में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जात से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। उसी के साथ दोस्तों, इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस परफॉर्मेंस के साथ ग्राफिक में क्या सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ जाएंगे सीधा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस डिवाइस के ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो ग्राफिक्स में हमें इस डिवाइस में स्मूथ में अल्ट्रा यानी कि 40fps का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक हमें इस डिवाइस में कोई भी स्मूथ में एक्सट्रीम यानी कि 60fps ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। आई होप कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के साथ हम इस डिवाइस में स्मूथ में कुछ ग्राफिक में इम्प्रूव देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में स्मूथ प्लस अल्ट्रा में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। रिवाइव भाई, एक कोई रिवाइव कर रहा है यहाँ से।